नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनावी साल में आरजेडी और जेडीयू के बीच पोस्टर वार छिड़ा है, लेकिन इस लड़ाई में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। आरजेडी को कांग्रेस का साथ मिल गया है और अब आरजेडी और कांग्रेस मिलकर निशाना साध रहे हैं बीजेपी और जेडीयू पर। कांग्रेस की ओर से भी ताबड़तोड़ कई पोस्टर लगाए गए हैं। कल कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर बीजेपी और जेडीयू से हिसाब मांगा था, नीतीश कुमार से हिसाब मांगा था, ये सवाल पूछा था कि बताइए डबल इंजन की सरकार में भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। आज फिर कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में ऊपर राहुल गांधी और मेनका गांधी की तस्वीर है, नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हथियार के साथ एक तस्वीर है, हथियार चलाते नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की भी तस्वीर है और इस पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ संयोग है या प्रयोग है, 5 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार घटना, देश की अर्थव्यवस्था का धराशायी होना, देशवासियों को जाति धर्म के आधार पर लड़ाना, LIC, BPCL, BSNL, एयर इंडिया का बिकना, बिहार की शिक्षा स्वास्थ्य अंतिम पायदान पर। तो बताइए ये संयोग है या फिर प्रयोग है, ये बड़ा सवाल किया है कांग्रेस ने इस पोस्टर के जरिए। और ये पोस्टर पटना में कई जगहों पर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स, हड़ताली चौराहा, डगबंगला स्टेशन, पुनाई चक, राजापुर पुल, जो पटना के मुख्य कई इलाके हैं, कई जगह हैं, कई सड़क हैं, वहां पर इस पोस्टर को लगाया गया है। और इस पोस्टर के जरिए बीजेपी पर जेडीयू पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है, बीजेपी पर हमला किया गया है, बिहार सरकार पर हमला किया गया है। और चुनावी साल की शुरुआत से ही पोस्टर वार लगातार चल रहा है। जेडीयू की ओर से पोस्टर लगाए गए, आरजेडी की ओर से कई पोस्टर लगाए गए हैं और सीधी लड़ाई चल रही थी जेडीयू और आरजेडी के बीच में। इस पोस्टर वार के जरिए हर वार का पलटवार पोस्टर की ओर से दिया जा रहा था और इन पोस्टरों की वजह से बिहार की राजनीति का लगातार पारा चढ़ा हुआ था। अब राजनीति और गर्मा गई है क्योंकि इस लड़ाई में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है और लगातार पोस्टर के जरिए हमला कर रही है नीतीश कुमार पर, बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।